पूरा परिवार रो घर गुजारो पूरो बना रो परिसो मत कैश नहीं कर सके एक भी पारो कहीं नहीं ले सके मेरे सपना पहले से था। पापा बोलते तो टीचर लाइन में पकड़ ले तो कर लेगी। मैंने नहीं, मैंने बोला नहीं, मुझे एक नर्स ऑफिसर ही बनना, मैं दूसरों की मदद करूँगी। मुझे क्या पता मैं अपने पापा को नहीं बचा पाऊँगी। के ना द्वारे ले गए मुझको हाउ कराई रहा मन ने कहीं ड्रापा किया मजाने ही नहीं किया। उनके बिना नहीं रह सकते, वही मेरा सब ख्याल रखते थे, वही खर्चा उठाते थे। तो चिकलवास का हादसा जो हुआ एक हादसा नहीं था बल्कि पूरे गांव ही नहीं पूरे राजसमंद को जगजोर देने वाली घटना थी। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे परिवार के अब घर गुजारे को लेकर भी बड़ा संकट और सवाल खड़े होते हैं। हादसे के बाद प्रशासन द्वारा तत्परता से उसे रेस्क्यू किया गया, इस घटना से बचाव के प्रयास किए गए, लेकिन इस घटना ने एक व्यक्ति को एक परिवार के मुखिया को छीन लिया। मुखिया को छीनने के बाद अब परिवार के घर गुजारे को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता है। एक मुखिया के निधन के बाद उस परिवार में कितने सदस्य होते हैं, उनके परिवार में जो सदस्य थे उनके उनका पालन पोषण कैसे होगा, उनका घर गुजारा कैसे चलेगा, उनके जो बच्चे हैं उनके बेटियां हैं उनके बेटे हैं उनके कोई सपने होते हैं वो कैसे पूरे होंगे, इन सारे सवालों को लेकर हमारा प्रयास था कि उनकी उनके परिवार का दर्द शासन प्रशासन और राजनेताओं तक पहुँचे और कहीं न कहीं इस परिवार को संबल मिले, सहयोग मिले, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से किसी भी तरह से इस परिवार को सहायता मिले। इसी मुहिम के तहत हम आज चिकलवास गांव फिर पहुँचे हैं। हादसा का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम पहुँचे हैं आज कालू लाल जी मेघवाल के घर। उनका निधन होने के बाद उनके परिवार अब तक उनके खाना पीना दुश्वार हो रहा है। भले ही आज तीसरा दिन उग गया है, कल इस गांव से चारों ही अर्थियां एक साथ उठी थी। उस समय पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास से हजारों की संख्या में लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल था, ईश्वर ये सभी धर्म का पुण्य का काम कर रहे थे तो ऐसा इस परिवार के साथ में क्यों हुआ, ऐसी दुर्गति क्यों की गई, इस तरह के कई सवाल खड़े हुए। अभी हमारे साथ में इन कालू लाल जी की जो माँ है उन माँ से मिलते हैं जो तो एक पुण्य रो काम कर रहे हैं। हाँ जो बटे किया माँ कहीं जानो पासा नहीं आई मत रोटी कहीं बाने निकले आज मत गरीश आको योग सच पड़ेगी सच पड़ेगी मैं रोता जान जा हमारा गाड़ो तो हंगलर वाहू गाई दियो 3 बजे बंदाना आपने यूं थोड़ी पतो शांत भी किया बंदान यूं जो गए नहीं पता ही कोई नहीं माँ तो उधर रोई ना अन घरे आया बसे का बे निकाले गाड़ी ना जिंदू गाड़ी जिंदू के ना द्वारे ले गए जिंदू को हाउ कराई रा मन ने गाड़ी ड्रापा किया मजाने ही नहीं किया जो अन घरे आया ना था पड़ी गाले दिन्दी जानो तो पूरा परिवार जो घर गुजारो हो पूरा बना रहे ऊपर ही सो बनो उस पूरा हाँ वैसे ये बेटा बेटी मोन या बहन ने घर वाला पा मिलिया तो अभी जैसे आप हो बना रहे 2-3 बच्चा बच्ची हैं बड़ा घर वाला है तो अतरो बड़ो पूरा परिवार और घर गुजारो चला वाला भी वैसे एक लेस बना बनो दूसरे वैसे एक ला अब आप रानो छोटो एक बच्चा और आप हाँ रूप से आप ये देखिए ये इनकी कालू लाल जी की माँ है। ये दुख इस माँ के लिए कितना हो सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दुर्गति में इस परिवार में है और इस परिवार को निश्चित तौर पर संबल की सख्त ज़रूरत है। इन परिवार में जो माँ है पत्नी है बच्चों हैं इस पूरे परिवार का जिम्मा है। यह हादसा हुआ जैसा आपने माँ की जुबानी सुना कि पूरा परिवार इन मुखिया के भरोसे था। अभी हमारे साथ में जो कालू राम जी हैं उनके घर वाले हैं उनकी पत्नी हैं उनसे बात करते हैं। ये जो घटना भी मन बाद में अटक कई के निकले आपने कहीं नहीं कि रोटी खाई निकला कल घर बान खानो वानो तो खाई नहीं गया खानो यो तो एक पुण्य रो काम करवा निकले आटो उसके कल कैसे निकले ये तो ईश्वर भी मतलब ये ऊपर वालों भी सही तुलना नहीं करे कि कई काम कर रहा है बड़ा चीज कोई नहीं क्यों उसके थोड़ी देर पास हो जाओ
आपने कभी पतो चालियो बस ही आए तो सब बटे मौका भी गया हां सब बटे सब बटे अच्छा सुबह घर आया मैं बटे सागर नहीं तीन बजे आया बंदा नहीं आपने यूं थोड़ी पतो के बंदा ने गायल नहीं नहीं मैं पतो निकाल तो हॉस्पिटल ले गया बड़ा ने मैं पतो नहीं साथ रह गई तो पछे सुबह देखिए सुबह तो घर लाया देखे वो गले के हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल बस घर लेने आया ना तो अभी आपने जो बच्चा बच्ची है पूरा परिवार रो घर गुजारो पूरा बना रो परिसो हां बना परिसो बना परिसो मत कैश नहीं कर सके एक भी पारो कहीं नहीं ले सका मत मतलब आपरे जो परिवार में 7-8 मेंबर है आपरे बच्चा बच्ची आपरे सासू जी या आपरे ननंद पूरा जो फैमिली है जो चला वाला भी सब भी सब पूरा चला वाला भी मुख्य रूप से आप देख सकते हैं ये दुख की घड़ी में इन्हें हम पूछें वो भी एक मेरे को भी अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है लेकिन ऐसे हालात हैं कि कहीं ना कहीं इनकी तकलीफ इनकी बात सरकार और शासन प्रशासन तक पहुँचे इसलिए इनसे बात करना हमारी भी मजबूरी है लेकिन इसी दुख की घड़ी में हम हमारे साथ में उनकी बेटियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं पढ़ रही हैं इनके भी कुछ सपने हैं उनसे भी जानते हैं कई नाम आप मेरा नाम तरुणा सालवी है मैं BBSC नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं नर्सिंग मतलब नर्स ऑफिसर बनना था नर्सिंग ऑफिसर मैं उसका 1 साल हो गया इसकी तैयारी कर रही हूँ अभी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ 6 महीने से कर रही थी अभी तैयारी इसकी तो जैसे ही आपने तैयारी के लिए जैसे आपने पापा में इसमें सहयोग किया ये शुरू से आपका सपना था कैसे हाँ मेरा सपना पहले से था पापा बोलते तो टीचर लाइन में पकड़ ले तो कर लेगी मैं मैंने नहीं मैंने बोला नहीं मुझे एक नर्स ऑफिसर ही बनना मैं दूसरों की मदद करूँगी मुझे क्या पता मैं अपने पापा को नहीं बचा पाती जो है दुखद घटना है वाकई इसमें लेकिन यही है कि जो पापा ने आपको कहा है वो उस पापा के सपने को आप साकार करो और निश्चित तौर पर न सिर्फ इस पापा के सपने को पूरा करो बल्कि जो ये दुख की घड़ी है इससे भी जल्द ही आपको आपके परिवार को राहत मिले जो दूसरी बेटी है उनसे बात क्या नाम है आपका डिम्पल आप क्या कर रहे हो मैं JNM करी फर्स्ट ईयर में अच्छा ये आपका क्या सपना था कि मैं भविष्य में क्या करूँ पापा ने बोला बेटा तू पढ़ मैं तेरे साथ हूँ बड़ी मेहनत से पापा ने पैसे जमा कराए थे मैंने एक फॉर्म भरा बस JNM का मेरा सिलेक्शन हो गया मेरे पापा मेरे को करना है बस पापा बोल रहे बेटा BSTC कर मेरे को नहीं मेरे को JNM करनी है बड़ी मेहनत से मेरे पापा ने पैसे जमा करके मेरी फीस भरी अब पता नहीं अब कौन ही भरेगा मेरी अगले साल की फीस नहीं नहीं फीस तो सब भर जाएगी आपका जो सपना है आप उसको पूरा मतलब ये फर्स्ट ईयर ही था क्या आपके हाँ फर्स्ट ईयर भी 2-3 महीने हुए कॉलेज जाते जाते जैसे पापा जिस तरह से आपके पूरे परिवार का एक मुखिया थे मुखिया छीन गए हैं तो क्या उम्मीदें थी मुख्य पूरे परिवार में ये जैसे उम्मीदें तो बहुत सारी थी सर सक्सेस होना था मेरे भाई देख लो अभी 11वीं में पढ़ रहा है उसको सक्सेस करना पता नहीं पापा के बगैर कैसा होगा समझ ही नहीं आ रहा मेरे बुआ जो है मेरे फूफा जी की डेथ हो चुकी है 3 साल से अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे पापा ने सोचा था अच्छा सा लड़का दे के शादी करवाऊंगा पढ़ रहे हैं वो पढ़ा लिखा लड़का चाहिए इनको पता नहीं अब क्या होगा फूफा जी भी शांत हाँ फूफा जी शांत हो गए डेथ हो गए उनकी 2019 में अच्छा तो मतलब एक आपका एक परिवार नहीं है अभी दो परिवार पूरे जुड़े हुए हैं दो परिवार जो घटना हुई हादसा हुआ उससे पहले अंतिम बार मुख्य आपका जो संवाद हुआ पापा से जो बात हुई वो क्या हुई थी मैंने पापा को बोला पापा मेरे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना था वो भर गया क्या पापा ने बोला बेटा आधा भर गया आधा मैं कल आके कॉल करता हूँ मित्र वालों को वो भर देगा लेकिन मेरे पापा कल तो आए ही नहीं फिर आके किसके लिए था ये फॉर्म क्या था ये मैंने कॉलेज में फीस भरी थी 73,000 रुपये वो मतलब स्कॉलरशिप था उसका कॉलेज का रिफंड का था पापा ने बोला अगर ये पैसे नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि बहुत मतलब मेहनत करके मेरे पापा ने ये पैसे इकट्ठे किए थे 4 लोगों से मांग के फिर कॉलेज में जमा कराए थे वो मैं ही समझ सकती हूँ कि मेरे पापा की कंडीशन क्या रही होगी उस टाइम जब पैसे मांग रहे थे कि मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है पैसे दे दो मुझे मेरे पापा ने बोला इस साल की स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगले साल फिर ये पैसे काम आएंगे इसलिए ये स्कॉलरशिप मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उनका जो बेटा है जो 11वीं में पढ़ रहा है उससे भी बात करते हैं
कोई नाम है? राहुल साली। कटे पढ़ाओ? यशोदा स्कूल 11वीं में एडमिशन दो, एक महीने। अच्छा, आगे अब कई प्लान है, कई बनना है आपको? अभी टीचर बनने है, बीएससी कर गए। अच्छा, बीएससी करवा रो सपनों हो पहले? तो ये पहले पापा ने भी बतायो कि आप रोसी हो? पापा ने क्यों, पापा की टीचर रहना, हाँ गवर्नमेंट जो बुरा प्रसाद की था, क्योंकि टीचर बनना था ना, मैंने क्यों और देख लाने। अच्छा, पापा कहता देख अभी मुँह हो यूँ पर छू नहीं बनना सा ऐसा कहता। अच्छा, रखा नहीं है यूँ, मैंने बनना है पापा सपने पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य रूप से देखो परिवार, मुखिया की जाने के बाद परिवार टूटा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन टूटे सपनों को जोड़ने की ज़रूरत है, और इस जोड़ने में कहीं ना कहीं आप और आप जैसे कई मददगार जब ऐसे परिवार की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर इस परिवार को संबल मिलेगा और ये टूटा परिवार फिर आगे बढ़ सकता है। इस परिवार में मुख्य रूप से जो कालू राम जी थे उनका ये परिवार से बात हुई, इनकी माँ से बात हुई, और अब इसी परिवार में एक परिवार और जुड़ता है। इनकी बहन, इनकी शादी होती है और 2019 में इनके पति का निधन होने के बाद जब उनकी बहन को फिर ये अपने घर यानी पीहर ले आते हैं, और अभी वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा नाम मांगी सालवी। या जो पहले आप शादी करते थे? सांगट खुर्द। डेथ किस तरह की? एक्सीडेंट में हो गई थी। अच्छा, तो मरने बाद में जैसे आप वापस पीहर आई? मैं पीहर आ गई, मेरे बाद तो एक दो महीने रही थी, उसके बाद मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ से मैं कॉलेज जाती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, एसटीसी कर रही हूँ, सेकंड साल है अभी। तो मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही हूँ। भैया ने बोला पढ़ाई कर, फिर टीचर बन के मेरे को दिखाना है, मैं टीचर बन गई हूँ। ये पूरा जो आपका जो घर गुजारा या खर्चा ये? हाँ, ये सारा खर्चा मेरे भैया ही उठाते हैं, वही कर रहे हैं। आपके बच्चे वगैरह तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार जो आपके भाई का निधन हुआ है तो पूरा परिवार एक कहीं टूटा है। हाँ, मेरे भैया के साथ ऐसा होने पर हम मतलब हम खुद को नहीं संभाल सकते, उनके बिना नहीं रह सकते। वही मेरा सब ख्याल रखते थे, वही खर्चा उठाते थे, तो लगता है ना। और उनका एक ही सपना था, मेरी बेटियाँ और मैं उनकी सिस्टर हूँ, तो पढ़कर आगे बढ़े, कुछ करे, मेरे जैसे कोई मेरा बेटा ऐसा करे, पत्थर डाले, ऐसा नौकरी करके नौकरी कर रही हूँ। अब देखिए, आपने मुख्य रूप से आपने जो बात बताई, निश्चित तौर पर ये जो सपना है इस परिवार का, एक बार कालू लाल जी का निधन होने से ये परिवार टूटा है, लेकिन इनके जो सपने हैं, दो बेटियां, जैसे तीसरी बेटी उनकी खुद की बहन जुड़ती हैं, इन तीन बेटियों और एक बेटे का जो सपना है कि वे कुछ पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, कुछ करें, इसके लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम लोगों को भी मदद की ज़रूरत है। इसमें ज़रूर आप हाथ बढ़ाएं, इन परिवारों का मददगार बनें।